हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे ही होंगे, स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त। और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एकदम तंदुरुस्त रहें। सबसे पहले तो बड़ों को पहला प्रणाम, छोटों को प्यार शुभ आशीर्वाद। और आपके अपने जाने पहचाने चैनल इंदिरा गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और कैसी चल रही है नवरात्रि? बहुत अच्छी, बिल्कुल मस्त, और चलनी भी चाहिए। और ये तो दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। और तो इस बार मैं भी फास्ट नहीं रख पाई कुछ कारणवश, और ऐसे ही बस क्या नाम कहते हैं। फिर दोस्तों आज आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, और मेरा है आज बर्थडे। तो बच्चों ने पता नहीं, मैं तो हमेशा बच्चे ही मनाते हैं कि बुआ आ जाओ आपके लिए कुछ हमने सरप्राइज़ कर रखा। मैंने कहा ठीक है, बल तैयार हो के आ जाओ बुआ। मैंने कहा तैयार तो क्या हो, और ठीक है मिलते हैं फिर चलते हैं। यहाँ तो बन रही है हमारे इधर की रोड, और अब दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा। और कल हमारे घर सामने सत्संग भी रखा गया है, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा। तो आप जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे तो कल ज़रूर आइएगा, सत्संग का आनंद लें। और अब मुझे उस रास्ते से जाना पड़ेगा गाइस, चलती हूँ फिर रास्ते से घूमते हुए जाना पड़ रहा है। और अब बन जाएगी ये रोड, ये बहुत ज़रूरी थी बननी। तो इधर से मंदिर का रास्ता भी है, बहुत अच्छा हो जाएगा। और गाइस अब पहुंच गई हूँ मैं। अब देखो बच्चों ने क्या करा होगा, क्या तैयारी कर रखी है। गाइस पहुंच गई हूँ फाइनली अपने मायके में, और बच्चे ही कर रहे हैं क्योंकि सबके चल रहे हैं व्रत नवरात्रि के, और आपके भी होंगे। और मेरा नहीं है इस बार, नहीं रखे। तो मैं उनके बच्चे ने कहा थोड़ा बहुत छोटी मोटी हल्की सी पार्टी, और मैंने कहा छोटा सा एक ब्लॉग भी बन जाएगा, है ना, तो बने रहिएगा हम। और गाइस आ गए हैं दोस्त लोग, उधर ग्रीन सूट में मेरी सिस्टर है, और वो भंडारी जी हैं, और वो भाभी है, और आ गई है ठंडा फ्रूटी, और आ गई देखो हमारी दोस्त अर्चना, वैसे रूबी कहते हैं हम प्यार से, और आप कई बार मिले भी होंगे इनसे। और बस एक ये भतीजी है भैया, छोटी सी पार्टी, और ये देखो केक लेके आ गई है हमारी प्रियांशी। बस बच्चों का ही रहता है, पहले बेचारी हमारी गुंजन करती थी, और बहुत याद आ रही है गुंजन की, कहती थी बुआ, बस उसी ने शुरू करा था, है ना, गुंजन गई अब। हो चुकी है पूरी तैयारी, आए हैं दोस्त, चलो फिर काटते हैं केक, और आप लोग भी आइए केक खाइए। हेलो गाइस, आज बर्थडे भी है और माता रानी के व्रत भी चल रहे हैं, और बहुत ही मतलब अच्छा शुभ दिन बाहर पड़ा है मेरे बर्थडे का। और तो और एक बात कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि ये केक जो है बर्थडे का भी है, और आज मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, आप मेरी आईडी में जाके देख सकते हैं। तो आपका इतना प्यार देने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से। इंदिरा गढ़िया देवभूमि उत्तराखंड ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। चल रहा है सेल्फी का दौर, और फोटोग्राफर भंडारी जी हो गई, ठंडा पियो जल्दी जल्दी, फ्रूटी पी लो फटाफट, उठाओ भाई, आलो दया ले ले ना, फ्रूटी में तो कुछ नहीं होता। सारे बना के ताऊ को दे दूंगी, बना दिया खाना, बना रही हूँ अभी, लौकी काट के आई। अच्छा, मैं भी ले लेती हूँ थोड़ी सी फ्रूटी, और बस ऐसे ही हल्का फुल्का। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का। वो ड्राई फ्रूट लाऊंगी, ये तब ना पी लेंगे।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू यू। तुम खा लो, तुम्हारा बर्थडे थोड़ा है, तुम्हारी अगले से। हमने केक तो पहले कर दिया कट और अब आए हैं बच्चे और देखो हमारी अनाया बेबी आई है मुटकू और ये आई है मेरी बेटियाँ और मेरे लिए लाई हैं बहुत सारा गिफ्ट और गाइज ये है केक और अनाया चॉकलेट दूं और दिखाऊं ये है मेरी साड़ी और ये लाई है मुन्ना बिटिया सूट एना हाय बोलो हैप्पी बर्थडे नानी नहीं बोलोगे अरे फोन में ही बोल दिया था डिंपल हैप्पी बर्थडे हाय हैप्पी बर्थडे थैंक यू रुको अब बोलो हाय गाइस आ गई है मेरी अनाया बेबी और लाई है मेरे लिए केक की नानी कट करो एक तो हमने कर दिया था कट अब हम अपना अनाया बेबी के संग कट करेंगे हाय बोल दो हाय बोलो तो ठीक है अब क्या कहते हैं क्या कहते हैं हाँ जोर से बोलो भी हैप्पी बर्थडे टू यू नानी थैंक यू बेटा थोड़ा सा खा ले फिर खा लो थोड़ा सा ठीक है और गाइस यहीं पर करते हैं हम ब्लॉग की एंडिंग फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ बाय